जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, आपके घर में काल बनकर घूम रहे हैं आपके यह 3 नाम वाले लोग। मित्रों, आज तो नाम जान ही लो, क्योंकि अगर आपने देर की तो बहुत पछताओगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, जो सच्चाई हम आपको बताएंगे, उस सच्चाई को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग रोज रोज आपके घर की दहलीज चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं मित्रों? आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में बहुत गहरे एवं कड़वे राज खोलेंगे, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपकी आंखें तक बाहर आ जाएगी। क्योंकि मित्रों, यह जो 3 लोग हैं, यह 3 लोग कोई पराए नहीं हैं, बल्कि आपके अपने ही हैं। इन 3 लोगों ने मित्रों आपकी जिंदगी को घेर लिया है। ये 3 लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और कुछ करें। मित्रों, आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, जो तकलीफें आ रही है, परिवार में हर वक्त ग्रह कलेश होते रहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, पारिवारिक सुख आपको नहीं मिल रहा है, संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, भौतिक सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो मित्रों, इन सब के पीछे कोई और नहीं, बल्कि इन 3 लोगों का ही हाथ है। और मित्रों, इस वीडियो में सबसे गहरा राज तब खुलेगा जब हम आपको वीडियो के अंत में इन 3 लोगों का नाम बताएंगे। मित्रों, ये लोग आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं, और ये अपने चेहरे पर मुखौटा लगा कर आ रहे हैं। मित्रों, इनकी सच्चाई जब आपकी आंखों के सामने होगी ना, तब आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आपको बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि मित्रों, आप भी इनकी यह जिद देखकर हैरान रह जाएंगे। इन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए ना जाने क्या क्या किया है, जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र और ना जाने कितनी ही क्रियाएं आपको बर्बाद करने के लिए की है। यदि आप मित्रों सतर्क रहना चाहते हैं, आप इन लोगों से बचना चाहते हैं, तो बस अंत तक वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और कमेंट बॉक्स में 7 बार जय माँ काली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, माँ काली आपकी सभी दुश्मनों से, सभी दुष्टों से, सभी दुखों से रक्षा करेगी। मित्रों, आपके घर की दहलीज पर रोज रोज चढ़ रहे हैं और अजीब अजीब से भेष बनाकर, यानी कि जब ये लोग आपकी दहलीज पर चढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने हैं, ये हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारे शुभ चिंतक है। लेकिन जब इनकी सच्चाई बाहर आएगी ना, तब आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैर कांपने लगेंगे, कलेजा थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि मित्रों, इन लोगों ने आपके घर की हर एक खुशियों पर गांठ बांध दी है कि बस इससे आगे आपकी खुशी नहीं होगी। मित्रों, एक समय था जब आपका परिवार बहुत हंसता खेलता था, परिवार
परिवार के लोगों की आपस में अलग ही मधुरता रहती थी, प्रेम रहता था। मित्रों, अचानक से वो सब उड़ गया है, छू मंतर हो गया है। किनकी वजह से? इन लोगों की वजह से। मित्रों, ये आपके घर में टोने टोटके की क्रिया कर रहे हैं। जी हाँ, ये मित्रों आपकी ज़िंदगी को उजाड़ कर रखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप यह जानने के लिए बड़े बेताब हो रहे होंगे कि आखिर ये किस रूप में आएंगे, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, आपके किसी दूर के रिश्तेदार के रूप में हो सकते हैं, आपके किसी पास के रिश्तेदार के रूप में हो सकते हैं, आपके किसी मित्र के रूप में हो सकते हैं, आपके किसी महिला मित्र के रूप में हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी के रूप में हो सकते हैं, या फिर मित्रों अगर आपके घर पर कोई रोज़ रोज़ एक ही इंसान कुछ मांगने आ रहा है, तो हो सकता है कि वह उस इंसान के रूप में भी हो। क्योंकि मित्रों, इन लोगों ने बस ठान लिया है कि आपको कैसे भी बर्बाद करना है, आपकी ज़िंदगी के साथ कैसे भी खेलना है। क्योंकि मित्रों, ये एक ही रूप में अनेकों रूप बनाकर आपको फंसाएंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इन लोगों ने आपके घर परिवार पर जो क्रिया करवा रखी है, उसके संकेत आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका घर बहुत सुखी से चल रहा है, सब लोगों की आपस में अच्छी बन रही है, सब लोग एक दूसरे का सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से जब घर में मित्रों नकारात्मक वातावरण देखने को मिले, जैसे कि परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरे से जल रहा है, एक दूसरे से लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहा है, हर वक्त घर में ग्रह कलेश बने रहते हैं, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर हाथापाई हो जाती है, तो कभी कुछ लोग आपको ताने दे रहे हैं, तो कुछ लोग मित्रों आपस में ही अपने अपने राग अलप रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इन लोगों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। ये लोग आपके परिवार से शुरुआत करेंगे, फिर आपके जीवन में आएंगे। मित्रों, ये लोग सिर्फ परिवार को तोड़ना जानते हैं, इन लोगों को नहीं पता है कि परिवार क्या चीज़ होती है, जीवन में परिवार क्या अहमियत रखता है, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। इन्हें बस आपको बर्बाद करना आता है और कुछ नहीं आता है। अचानक मित्रों, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, कोई रोग उसके जीवन में नहीं है, कोई तकलीफ उसके जीवन में नहीं है, और अचानक जब कोई रोग एवं तकलीफ उसके जीवन में पनपने लग जाए, तो यकीन मान लीजिए मित्रों कि हाँ, आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके परिवार पर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों का नाम जो है हम आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, और इन लोगों की पहचान भी कैसे करनी है यह भी सुन लीजिएगा। मित्रों, इन लोगों का नाम है, पहले व्यक्ति का नाम च से शुरू होता है, दूसरे व्यक्ति का नाम ज से शुरू होता है, और तीसरे व्यक्ति का नाम मित्रों त्र से शुरू होता है, यानी कि त्र त्रिशूल के नाम से। इन तीन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि मित्रों, ये लोग वह है जो आपके मुंह पर झूठ बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि ये जब आपके सामने आएंगे तो आपके मुंह पर तो मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन
जब ये आपकी ज़िंदगी के पीछे जाएंगे तो आपकी बदनामी के ढोल पीटेंगे। इन लोगों की सच्चाई यही है कि ये आपको बर्बाद करने के कोई भी बहाने नहीं छोड़ रहे हैं, आपको बदनाम करने के कोई भी बहाने नहीं छोड़ रहे हैं। मित्रों, इन लोगों की आदतों को जान लीजिए और इनसे अपने जीवन से जल्दी से पीछा छुटा लीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। हमने जैसा आपसे वादा किया था नाम बताने का, तो इन तीन लोगों का नाम हमने बता भी दिया है। अब मित्रों, आइए जान लेते हैं आपके आने वाले समय का कुछ महत्वपूर्ण राशि फल, जिससे आप अपने जीवन को थोड़ा सा और आगे के माध्यम से सतर्क बना। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। यानी कि मित्रों, आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को आपको ध्यान में रखना है कि आप कितना काम कर पाते हैं, कितने वादे निभा पाते हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति की आलोचना के कारण रिस्क लेने की गलती बिल्कुल ना करें। यदि लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को दिल पर ना लें। मित्रों, केवल उन बातों पर टिके रहें जो बातें आपको ठीक लगती है। आपका निर्णय आगे चलकर सही साबित होगा। इस वक्त मित्रों, परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि आपको स्वयं को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें। मित्रों, यही जीवन है, इसी में संघर्ष रहेगा और इसी में कंफ्यूजन भी रहेगा। बता देते हैं कि विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये काम शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मित्रों, वक्त आपको मिल रहा है सोचने समझने के लिए। आप कागजी कार्रवाई भी कर सकते हैं और रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश करें। सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। मित्रों, बता देते हैं कि तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से मित्रों सलाह मशवरा लेकर उपचार करवाएं और इस समय ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से अनुकूल रहेगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा। छात्रों के जीवन में इस वक्त कई प्रकार के मित्रों चिंताएं चल रही थी, कई प्रकार के कंफ्यूजन बन रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, लेकिन अब रास्ता क्लियर मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में भी सफल रहेंगे। और एक बात का ध्यान रख ले, यह बात अपने दिमाग में डाल ले कि आलस बिल्कुल ना करे, आलस में समय नष्ट ना करे। कोई मनचाहा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, उस मनचाहे काम को पूरा होने में मित्रों थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन हाँ, मनचाहा काम जब पूरा होगा तो उससे शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। मित्रों, व्यापारी वर्ग थोड़ा सा ध्यान दे कि पढ़ाई लिखाई के प्रति अव्वल रहें। रोजमर्रा की दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में बिताना लाभकारी रहेगा। मित्रों, अब जिन कामों में आपका मन लगता है, जैसे कि आप मित्रों के साथ थोड़ी देर समय व्यतीत कर सकते हैं, संतान के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, कभी कभी जब अपनों के बीच में बैठे रहते हैं तो जीवन में अलग ही सुख का मित्रों अनुभव होता है। बता देते हैं कि अगर आपका कोई काम अधूरा है तो किसी शुभ चिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका प्रयास सफल रहेगा और छोटी छोटी बातों पर मन शांत करना ठीक नहीं है मित्रों, क्योंकि छोटी छोटी बातें हर किसी के जीवन में होती है। अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें। मित्रों, भगवान ने आपको कुछ बनाया है तो सोच समझ कर ही बनाया होगा, और आपकी एक आदत बहुत गंदी है, इस आदत को आप नहीं सुधार रहे हैं। मित्रों, आप हर वक्त किसी के भी साथ बेवजह की विवाद में उलझ जाते हैं, बेवजह की बातों में उलझ जाते हैं। पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के व्यक्तिगत मामलों में ना उलझे, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा।
होलसेल का बिजनेस जो जातक करते हैं, होलसेल का बिजनेस करने वाले जातकों को जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें होगी। होलसेल का जो भी बिजनेस करते हैं वे थोड़ा सा ध्यान दें। अपने संतान के ऊपर आपको पूरा भरोसा रखना है। अपनी संतान की समस्याओं को सुलझाने पर आपको मित्रों ध्यान देना है। और बता देते हैं कि परिवार वालों में आपसी तालमेल और प्रेम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से घर की शांति पर बुरा असर पड़ सकता है। मन शांत रहने की वजह से शारीरिक क्षमता भी अच्छी संगति में रहें तथा प्रकृति के सानिध्य में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। मित्रों बता देते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। कार्यों में संतुलन बनाए रखकर महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं। आपके लिए जो बातें सही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। बाकी मित्रों लोगों का कहना ना माने, क्योंकि लोगों की बातों में आकर ही आप अपने लिए दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। अपना हौसला बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्रों लव रिलेशनशिप सही व्यक्ति के साथ शुरू होगा, इस कारण असंतुलन दूर हो सकता है और पैर दर्द की समस्या थकान के कारण हो सकती है। मित्रों बता देते हैं कि जब जिंदगी में आपके लिए जैसा होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा हो, तो मित्रों उसे भगवान की मर्जी समझकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकारें और सुधार करें, आगे बढ़ें, इससे आपको दिनचर्या व्यवस्थित करने में सुविधा होगी। आपका कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को मजबूत कर रहा है। मित्रों किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में अपना योगदान देने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की मदद करना अच्छे से जानते हैं। लोगों की मदद करने से मित्रों आपको आत्मिक सुख मिलता है। मित्रों बता देते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं, क्रोध करने से बचें तथा मेलजोल और सहयोग से अपना काम समय पर निपटाने की कोशिश करें। क्योंकि मित्रों आपको बता देते हैं कि यदि आपने काम समय रहते निपटा लिया तो आपको अन्य बातों पर भी ध्यान देने की वजह मिल सकती है। परिवार के प्रति आपका मित्रों महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और बच्चों की कोई गलत बात आपको आहत कर सकती है, परंतु डांट फटकारने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से मित्रों हल ढूंढें। मित्रों कुछ समय परिवार जनों के लिए भी जरूर निकालें और बिजनेस के काम में नौकरी की जिम्मेदारियों में आपको थकान हो सकती है। नौकरी और बिजनेस में विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहें और साझेदारी के बिजनेस में फायदेमंद स्थिति रहेगी। स्त्री वर्ग को अपने करियर से संबंधित विशेष सफलता हासिल होने वाली है और परिवार जनों के साथ मौज मस्ती डिनर आदि में सुखद समय व्यतीत होगा, परंतु विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह ना रहें, पीठ दर्द की समस्या बढ़ सकती है तो उचित इलाज लेने की भी आपको जरूरत है। तो मित्रों वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाए।